कि आपको यहाँ पे गणेश जी की मूर्ति, शिव, पार्वती, नंदी, शेषनाग जी, हनुमान जी, पांच पांडव, ये सब भी यहाँ पे दिखाई देते हैं। जय बाबा बर्फानी। आज गुफा पे ही, यहाँ बाबा अमरनाथ के यहाँ पे मेरा दूसरा दिन है, यही गुफा पे ही। वैसे यात्रा का मेरा चौथा दिन है और आज का जो मेरा विषय है वो मैं ये विषय है कि आप अमरनाथ जब आते हैं तो और क्या क्या चीज़ें हैं जो बाबा के साथ ही हैं, जो आप मिस कर जाते हैं, जो आप नहीं देख पाते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो नदी बह रही है, ये नदी, इसका नाम है अमरावती नदी और ये इस ग्लेशियर से पिघल के आती है जिसका पानी बहुत ही ठंडा होता है। अब मैं एक और चीज़ बता रहा हूँ कि आपको यहाँ पे गणेश जी की मूर्ति, शिव, पार्वती, नंदी, शेषनाग जी, हनुमान जी, पांच पांडव, ये सब भी यहाँ पे दिखाई देते हैं, लेकिन आपको पता नहीं है कि वो कहाँ पे दिखाई देते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे कैसे आप उन्हें देख सकते हैं, कैसे कैसे उन्हें ढूंढ सकते हैं। जब आप एंट्री करेंगे, जैसे ही आप गुफा पे एंट्री करते हैं, तो आपको सबसे ऊपर एक छोटा झंडा दिखाई देगा आपके सामने एंट्री, जब आप एंट्री करने जा रहे होंगे तो वहीं पर ही गणेश जी की आकृति बनी हुई है। आप अगर देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि वहाँ गणेश जी हैं, ये बिल्कुल ही क्लियर है और कोई दिक्कत नहीं है। अब अपने जैसे आप एंट्री के लिए जा रहे हैं तो अपने राइट में देखेंगे तो आपको एक फन और शेषनाग जैसी आकृति दिखाई देगी जो कि ऐसी होती है, इस टाइप से घूमती हुई, तो आपको वहाँ पे प्रॉपर शेषनाग जी दिखाई देंगे। और उसी तरफ ऊपर जाते हुए यहाँ पर इस तरफ आपको, मैं अभी नीचे खड़ा हूँ क्योंकि ऊपर कैमरा अलाउड नहीं है, तो उधर आपको नंदी जी, उस पर बैठे शिव जी और उस पर बैठी पार्वती जी दिखाई देंगी और ये इतने क्लियर दिखाई देते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। अब एक मेन चीज़ जो कि शिव जी, खुद शिव जी का फेस कहाँ पे है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वो गुफा है, उस गुफा के यहाँ इधर लेफ्ट में देखिएगा, आपको एक फेस दिखाई देगा जो साक्षात शिव जी का है। और इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कहाँ पे, जैसे आप गुफा से एंटर करके नीचे आएंगे, मतलब गुफा से दर्शन करने के बाद नीचे आएंगे, तो उसके राइट में आप देखिएगा आपको एक हनुमान की आकृति दिखाई देगी जो कि मैंने फ़ोटो भी ली है, बट ऐसे आपको क्लियर हो नहीं पाएगी, इसके लिए आपको खुद ही देखना पड़ेगा। ऊपर ब्रह्मा, विष्णु, महेश, और जैसे आप जहाँ पे एंट्री पॉइंट है, जहाँ से आपका एंट्री होती है अमरनाथ गुफा के लिए, आप एंट्री करते हैं वहाँ से आप अपने राइट में देखेंगे तो ऊपर आपको पांच पांडव दिखाई देंगे। मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ ये पांच पांडव, और तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। और यहाँ पर कितने ही ओम अंकित हैं, कितने ही देवी देवता हैं, वो आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर है। उसके लिए आपको अपनी नज़र चाहिए, मतलब आप ढूंढिए, सब मिलेगा यहाँ पे। तो ये एक मेन चीज़ है, जब आप यहाँ पे आते हैं सिर्फ बाबा के दर्शन करके जाते हैं, ठीक है, बाबा के दर्शन के साथ गणेश, कार्तिकेय होते हैं, पार्वती जी होती हैं, लेकिन ये चीज़ें भी ज़रूर देख के जाइए। तो एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है, आप इसे ज़रूर देखिएगा और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।